गाइस तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त रोहित जोन। सो दोस्तों, अब मेरा न्यू व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं छोटा अमरनाथ, जो कि हमारा इंदौर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर। तो वहां जाके मैं आप लोगों को अच्छे से पूरी लोकेशन और पूरी मेरी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाला। तो आप लोग मेरी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बाकी जो भी है सब मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा मेरी इस वीडियो में। तो लोकेशन तो आपको मैं गूगल मैप से बता दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा। अभी डाउट रहेगा आपका सब क्लियर होगा मेरी इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहना वीडियो में, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चलिए मेरे साथ। जय श्री महाकाल। तो गाइज़, ये है मेरी ब्रांड न्यू बाइक। तो ये इसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, बट ये मैंने गाड़ी खरीदी है और इसकी भी कुछ कंडीशन थी, इसलिए हमने व्लॉग नहीं डाला है। तो मैं इस गाड़ी से, मेरी नई वाली गाड़ी से, मैं इतनी प्यारी राइडिंग करने वाला हूँ, वही बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ मेरी इस राइड पर। तो एक लोकेशन आती है जहाँ पर आपको ये चोरल रिसोर्ट दिखेगा, मतलब चोरल डैम। तो यहाँ पे दो रास्ते आते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन का रहता है। तो आपको ये वाला रास्ता नहीं जाना है, आपको ये वाला रास्ता जाना है, चोरल डैम वाला। यहाँ से आपको बहुत पास पड़ेगा और आप जल्दी पहुँच जाएंगे, आसानी से पहुँच जाएंगे। तो भाई ऐसे ऐसे रास्ते हैं यहाँ पर, और बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही प्यारी वाइब भी आ रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत औसम जगह देख सकते आप भी। फाइनली देख सकते हैं आप लोग चोरल डैम से। अगर आप थोड़ी सी आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको फिर बोर्ड दिखता था, छोटा अमरनाथ महादेव गुफा। तो यहाँ से आपको इस साइड राइट हैंड पे जाना पड़ता है, और ये पूरा सुनसपाट रास्ता होता है, बट सेफ होता है पूरा। तो चलिए चलते हैं अभी हम। ये देखिए गाइस, कितना प्यारा लगा मुझे यहाँ पे। तो वो मेन रोड उधर था, थोड़ा सा बगल आके बस आपको दिख जाएगा ये। तो आप यहाँ पे भी आके थोड़ा फोटो वोटो क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ का भी वाइब बहुत ही प्यारी है। तो अभी हम भी यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक करेंगे, और ये हमारी गाड़ी और मैं। तो अभी इंजॉय करते हैं यहाँ का व्यू, और फिर चलते हैं छोटा अमरनाथ। बस यहाँ से बस 1-2 किलोमीटर पे ही है, तो बस हम पहुँचने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप थोड़ा गांव दिखता है, यहाँ पर आप गाड़ी अपनी खड़ी कर सकते हैं, फिर यहाँ से पैदल जाना होता है। तो चलिए, तो गाइस नीचे दुकान आज बंद थी, तो हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है। तो आप भी ऊपर से प्रसाद ले सकते हैं, और फिर यहाँ से अभी हमको ये जो अपनी स्टेयर्स है इससे नीचे उतरना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ का भी। तो मैंने और भी इन्फॉर्मेशन निकाली, तो यहाँ पर क्या होता है, संडे के दिन बहुत सारे लोग आते हैं। संडे के दिन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रस देखने के लिए मिलता है। तो मैं तो अभी अगले दिन आया हूँ, संडे को नहीं आ पाया मैं, बट ऐसे दिन आया हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो मुझे अभी आराम से दर्शन भी हो जाएंगे भगवान के। और अभी मेरे को बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, तो अच्छा भी लग रहा है, बहुत सुकून लग रहा है। अगर मैं आपको यहाँ से वाइब दिखाऊँ यहाँ की, तो आपको देखो कितना प्यारा लगेगा। ये देखिए, ये देखिए गाइस, बिल्कुल रियल है गाइस, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल रियल, बिल्कुल 100% नेचुरल है। और इधर 1% भी नेटवर्क नहीं है, पर 100% सुकून है। तो आप देख सकते हैं कितना सुकून लग रहा है, बिल्कुल बादल बिल्कुल करीब है हमारे। चलिए गाइस हम नीचे चलते हैं। और अगर गाइस आपको अगर आना ही है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रश होता है शिवरात्रि वाले दिन, और अपना जो सोमवार होता है 16 सोमवार, उस टाइम पे, और वीकेंड वाले दिन तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो आप भी इस टाइम पर भी आ सकते हैं। चलिए, जैसा मैंने बोला था आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल 100% नेचुरल। और देखिए आप ये यहाँ पर देखो, लोगों ने देखो महाकाल बाबा की देखिए इधर ड्राइंग वाइंग भी बनाई है। और ये देखिए यहाँ का व्यू, इतना ठंडा वातावरण है। ये देखिए आप, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है गाइस। ये देखिए यहाँ पर, और हमारी गुफा के अंदर जाने का रास्ता वो है, आपको दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पर अपने शूज़ जो भी आप पहन के आएँ वो उतार देना, और ट्रैकिंग वाले शूज़ पहन के आना। बाकी तो स्टेयर से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साउंड सुन रहे हैं आप, बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए, तो गाइस यहाँ पर आपको पाँव भी धोने की जरूरत नहीं पड़ती है, झरने से आपके अपने आप पाँव धुल जाते हैं। रास्ते में ऐसा पानी आता रहता है झरने का भी देखा। तो मंदिर में जाने का मार बिल्कुल जैसे आपने अगर कभी गए हो गए आप रियल वाले अमरनाथ, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही वाइब आती है, और ऐसे ही लगता है बिल्कुल वहाँ पर। तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसे अमरनाथ जैसा ही बना हुआ है, बना क्या है तो नेचुरली भगवान ने बनवाया है। ये देखें, तो अब यहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं। बाबा
है महाकाल शिव शंकर जी। ये देखिए आप, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये देखिए गुफा का मैं आपको पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए आप, इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल नेचुरल है गाइस, बिल्कुल नेचुरल है, कुछ भी इसमें वो नहीं है, बिल्कुल भगवान की बनावट से बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर घंटी भी लगी हुई है, और ये हमारे बाहर का व्यू है, और इतनी बड़ी गुफा है ये देखिए आप, पूरी नेचुरल है गाइस। और यहाँ पर हमारे ये भगवान जी बैठे हुए हैं, अमरनाथ जी, ये देखिए। तो आप लोग फटाफट से कमेंट में जय शंकर शिव शंभु हर हर महादेव लिख दीजिए, और बाबा के दर्शन करने आप लोग भी आइए जल्दी से जल्द यहाँ पर। जय श्री महाकाल। गाइस बहुत ही अद्भुत मंदिर है, बहुत ही अद्भुत जगह पर भी है, बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग यहाँ पर अवश्य आए, बहुत अच्छा लगता है आपको। बिल्कुल अमरनाथ भगवान के दर्शन कर लिए आपने अगर आप यहाँ पर आ गए तो, और भगवान आप सबकी मनोकामना पुण्य भी करें, तो आप जल्दी से जल्द भगवान के दर्शन करने यहाँ पर आइए। आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि आप लोग इतनी प्यारी जगह पर आ गए अगर आप यहाँ पर आते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर एक 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 आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं, दूसरा कि आपको यहाँ पर इतना प्यारा वाटरफॉल देखने के लिए मिलता है, और बिल्कुल 100% सुकून, इतनी पीस लोकेशन, इतनी शांति वातावरण यहाँ पर देखिए आप, बिल्कुल शांति वातावरण, कोई नहीं है, बस भगवान और आप। ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पर, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा गाइस। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को देख के जल्दी से फटाफट से वीडियो को शेयर करिए, और आप भी भगवान के दर्शन करने आ सकते हैं। बाकी जो भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपका सबका रिप्लाई करूँगा। हर हर महादेव। चलिए गाइस, तो एक और लोकेशन है, यहाँ पर अपन वाटरफॉल के पास जा रहे हैं। तो ये देखिए आप, वाटरफॉल के पास आप बिल्कुल नियर, वाटरफॉल के बिल्कुल नियर आ सकते हैं आप लोग। ये देखिए बिल्कुल आप यहाँ पर नहा भी सकते हैं, और देखिए आप वाटरफॉल कितना प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। अमरनाथ मंदिर और मधु झरने के बाद आप यहाँ पे नीचे भी जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको और भी लोग दिख रहे हैं, तो आप ऐसे नीचे भी ट्रैकिंग वैकिंग कर सकते हैं यहाँ पर जाके, वहाँ पर भी बहुत अच्छा कुछ व्यू है, तो वहाँ पर हम जाने वाले हैं और वहाँ का व्यू बताने वाले। चलिए जहाँ पर मैं नीचे आपको बता रहा था, ये वहाँ का व्यू है, और यहाँ से पानी ये पूरा गांव में और भी जगहों पर जाता है। देखिए यहाँ से देखिए कितना प्यारा भी दिखता है, और ये आप साउंड देख रहे हैं, ये देखिए और इधर हमारा मंदिर है। तो पहाड़ और ये प्यारी मैगी, और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये वाइब सोच सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा होगा हमको। तो आप भी ऐसे अपने घर से टिफिन में कुछ भी लेके आ सकते हैं, और यहाँ पर भी ऊपर आपको मैगी वैगी देखने के लिए मिलती है, तो आप वो भी लेके खा सकते हैं। तो अभी हम मैगी इंजॉय कर रहे हैं, चलिए आप लोग व्यू इंजॉय करिए। देख सकते हैं कि बिल्कुल अलकनंदा का बिल्कुल व्यू दिखता है, देखिए आप कितना प्यारा लगता है गाइस, जैसे आपने बाहुबली में देखा ना, सेम ऐसा ही सीन है यहाँ पर। दोस्तों हमने यहाँ पर भगवान के दर्शन भी कर लिए, और इस झरने के भी बहुत सारा हमने आनंद लिया है यहाँ पर, और जो यहाँ का पर्यावरण है और जो वातावरण है बहुत ही प्यारा वातावरण, तो हमको यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा है। तब तक हमने बहुत देर तक यहाँ पर टाइम स्पेंड करा, बहुत शांति मिली मन को। आप भी यहाँ पर फटाफट से आ सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर लोकेशन नहीं मिलती है तो ये गाँव का नाम है खुदरा, खुदरा करके भी अगर आप मैप पर डालते हैं तो भी आप आ सकते हैं यहाँ पर। बाकी आपको छोटा अमरनाथ कोई भी बता देगा अगर आप रास्ते में से आएंगे, तो आप बहुत ईजिली यहाँ तक आ सकते हैं। ये मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे इंदौर से, बहुत अच्छा है यहाँ पर, आप ऊपर प्रसाद भी ला सकते हैं, भगवान को चढ़ा भी सकते हैं, भगवान की पूजा पाठ भी कर सकते हैं, और झरने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। वीकेंड पर भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं आप लोग, तो ध्यान रखें और आगे चलते हैं। दोस्तों अब मैं आपको छोटा अमरनाथ का कुछ दृश्य बताने वाला हूँ। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है, और यह गुफा बिल्कुल हमारे अमरनाथ भगवान के जैसी गुफा है, बिल्कुल अमरनाथ का जैसा आपने देखा होगा सेम वैसा ही यहाँ पर लगता है, और बगल में वाटरफॉल गिरता है, तो यह बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आके। और सावन के महीने में इस मंदिर में बहुत सारी भीड़ भी लगती है, और यहाँ के लोग की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी माना जाए मन्नतें पूरी भी होती है, तो काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी मेरी इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं, और भगवान के दर्शन कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अपनी फैमिली के साथ में आते हैं, फ्रेंड के साथ में भी आ सकते हैं। हेलो
गाइस तो फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। अभी ऊपर आके हमने थोड़ा रेस्ट करा और यहाँ पर भी कुछ आप खा पी सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी आपको दुकानें देखने के लिए मिलती है, तो आप यहाँ पर आकर रेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम हमारी वीडियो का करते हैं, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग मुझे फटाफट से सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करना वीडियो को, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और दोस्त बनाना अपना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, टेक केयर।